बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। लेक्चर 30, फिजिक्स। टॉपिक न्यूमेरिकल्स। अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कैलकुलेट द डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। एक बस 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। यह हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाने पर इट स्टॉप्स, वो रुक जाती है। इस वजह से VF की वैल्यू ज़ीरो ली जाएगी। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर का फासला तय करने के बाद। 500 मीटर हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है। कैलकुलेट द डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। हमने डिसेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है, यानी हमने ए की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ ए का आंसर नेगेटिव में आएगा। गिवन में हमारे पास सबसे पहले VI की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर, इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। 72 को 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास फाइनल आंसर 20 आया। वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो 20 के साथ मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, डिस्टेंस की वैल्यू 500 मीटर है और इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड डिसेलरेशन है। सॉल्यूशन में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2s a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया जाएगा तो ये डिवाइड होगा वहाँ पर जाके, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज पुट की हैं। VF की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। माइनस VI की वैल्यू 20 है, 20 के ऊपर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ आया। डिस्टेंस की वैल्यू 500 है तो 2 को 500 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट स्टेप में ज़ीरो एलिमिनेट हो गया, बाकी 20 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आएगा, और 20 से पहले जो नेगेटिव साइन है ये एज इट इज़ आएगा। डिनोमिनेटर में 2 और 500 को जब मल्टीप्लाई किया गया तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जवाब 1000 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 400 और 1000 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0.4 आया और नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहा। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा गया है। आकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी VI ज़ीरो ली जाएगी। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेती है वो कार, यानी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में टाइम की वैल्यू हमारे पास 5 सेकंड्स है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। जो डिस्टेंस कार ने कवर किया है वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ इसका मेथड लिखा गया है। फाइंड एक्सेलरेशन बाई यूजिंग इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। आप सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में फाइंड डिस्टेंस बाई यूजिंग इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।